नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, लोकतंत्र किसी भी देश की सबसे बड़ी नींव होती है, क्योंकि ये उस देश के लोगों को सबसे बड़ी आजादी देती है कि वे अपने मन मुताबिक किसी सरकार का चुनाव करके उसे देश पर शासन करने की आजादी दे सके। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों पर धौंस देकर शासन किया जाता था और विरोध करने पर बलपूर्वक शांत किया जाता था। आइए इस पाठ में हम देखते हैं कि कैसे लोगों की भागीदारी से एक देश कैसे स्वयं को बेहतर बना सकता है। जो इस पाठ की शुरुआत एक दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू से शुरू होती है, जो अपने पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही है। इसे एक रजिस्टर दिखता है जिसमें अखबार की कई सारी कतरने थी, जो एक 15 वर्षीय लड़के की थी जिसका नाम हेक्टर पीटरसन था, जिसे पुलिस ने गोली मार दी। माया की मां ने समझाया कि पहले दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन था, जहां लोग श्वेत एवं अश्वेत में बटे हुए थे। दोनों का रहन सहन भिन्न था। श्वेत को काफी अधिक सुविधाएं थी, जबकि अश्वेत के साथ ऐसा नहीं था। यही नहीं, दोनों के अस्पताल, गाड़ियां, ट्रेन, बस स्टैंड, ये सब अलग हुआ करते थे। उस समय अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त भी नहीं थी और सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। कुल मिलाकर अश्वेत एवं भारतीयों के साथ बड़ा भेदभाव चरम पर था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर या सोवेटो कहीं एक हेक्टर था, जो अश्वेत की बस्ती थी। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, इसलिए हेक्टर और साथ के विद्यार्थियों पर भी दबाव डाला जा रहा था इसे सीखने के लिए, जबकि वे जुलू सीखना चाहते थे। इसलिए ये लोग अफ्रीकान सीखने के विरोध कर रहे थे, लेकिन वहाँ की पुलिस इन्हें बेरहमी से पीटा और गोलियाँ भी चलाई, जिसकी वजह से वह भी मारा गया। जो इस रंगभेद कानून के लिए बहुत से आंदोलन हुए, जिसमें अग्रणी और सबसे अधिक संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला थे, जो अफ्रीकी कांग्रेस के थे, और अंततः उन्हें 1994 में सफलता मिली, यानी दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बन पाया। एक, भागीदारी। लोकतंत्र में लोग देश में सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। वोट देकर ये अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यही प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं का सम्मान करके उनकी बात सरकार के पास रखते हैं। सरकार की समय विधि निश्चित होती है, जैसे भारत में ये 5 वर्ष है, और सरकार तभी फिर से सत्ता में आ सकती है जब लोग उन्हें फिर से वोट देंगे। चुनाव का समय एक तरह से हर लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का त्यौहार होता है। दो, अन्य फायदे। लोकतंत्र में लोगों को ये आज़ादी भी है कि वे सरकार की नीतियों एवं उनके काम का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सके। यदि उन्हें ये ठीक ना लगे और ऐसा होता है कि जनकल्याण में ना होने के कारण सरकार को अपने निर्णय भी बदलने पड़ते हैं। ऐसा एक बार अगस्त 2005 में भी हुआ था, जब बिजली या किराया बढ़ाने पर लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे और उस समय सरकार ने किराया वापस ले लिया था। बच्चों, लोकतंत्र के स्तंभ में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविजन, जिससे लोगों के बीच सरकार की सभी योजनाओं को रखा जा सकता है। हालांकि आज भी यह कटु सत्य है कि सभी वर्गों को इस प्रकार के लोकतंत्र का अधिकार नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का तरीका आंदोलन की मदद से सरकार की नीतियों और काम करने के तरीकों को चुनौती देना ही होता है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका आंदोलन करने से ही हो पाता है। हालांकि यदि देश के लोग सजग हैं और सरकार की हर नीतियों को भलीभांति जानते हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र जड़ से मजबूत हो जाता है और इसमें किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते। बच्चों, आपने देखा कि कैसे विवादों के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक समूह मान लेता है कि दूसरे समूह को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल ही उचित है। विवाद होता तब है जब सांस्कृतिक धार्मिक विविधता के कारण लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते, या विवाद का कारण लोगों के बीच में व्याप्त भेदभाव भी हो सकता है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। धार्मिक जुलूस और उत्साह
उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। इससे कई बार हिंसा भड़कने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं। कभी लोग जुलूम पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौके पर पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसकी जिम्मेदारी भी है कि ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित करे कि आपस में टकराव की कोई स्थिति ना हो। इसके अलावा नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बनती हैं। राज्यों का बंटवारा नदियों के नहीं बांट सकता, इस वजह से पानी के इस्तेमाल को लेकर विवाद होते हैं। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का विवाद। कर्नाटक के कृष्णराजासागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है और तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, इस वजह से आपस में कावेरी के पानी को लेकर तनाव रह रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्य के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। बच्चों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता समानता और न्याय के प्रति वचनबद्धता होना है, क्योंकि दोनों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। छुआछूत की प्रथा पर अब रोक लगा दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर और कई लोगों ने दलित के अप्रति अपमान को अमानवीय बनाया है और इसका विरोध भी किया है और ये बताया कि सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी उन समूहों के लिए विशेष प्रयास करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं मानी जा रही, जैसे लड़कियों के प्रति समाज उदासीन था और उतना महत्व नहीं देना था, किंतु सरकार ने इस अमानवीय करार देते हुए लड़कियों के उत्थान के लिए भरपूर प्रयास किए हैं और आगे भी करती रहेगी, जैसे स्कूलों में उनकी फीस में कटौती, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण इत्यादि। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है। बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। हेक्टर और उसके सहपाठी कौन सी भाषा सीखना चाहते थे? दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता का क्या नाम था? भारत में चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? कावेरी नदी का विवाद किस राज्यों से जुड़ा हुआ है? बच्चों, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। हेक्टर और उसके सहपाठी जुलू भाषा सीखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार 1994 में बनी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता का नाम नेल्सन मंडेला है। भारत में चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। कावेरी नदी का विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। बच्चों, ये पाठ यही समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह पाठ सीखने में मजा आया होगा। धन्यवाद।